फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेनू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला की सब्जी। देखिए कैसे बनी है पनीर मसाला की सब्जी, बहुत इजी और कम समय में मैंने बनाया, घर के मसालों से ही मैंने बनाया हुआ है। तो आप भी देख लीजिए कैसे बनाई हुई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पाव पनीर लिया है, मटर लिए हैं और यहाँ पे फूलगोभी लिया, तीन टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिया है और ये मसाले में मैंने जीरा, लहसुन और खसखस को पीस लिया, जैसे पेस्ट तैयार कर लिया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे सॉरी चाहूँगी, क्योंकि मैंने खिचड़ी की वीडियो अपलोड की थी जो आधी ही हुई, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी और किसी दिन मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। किसी कारण से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया तो आप सबसे एक बार सॉरी कहूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई बैठाई हुई है, यहाँ पर हमको 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालना है कढ़ाई पर। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि हमारी पनीर अच्छे से ब्राउन हो जाए और तेल छिटके भी नहीं हमारे ऊपर। मैंने तेल पे पनीर डाला हुआ है, पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट पे। अब इसी तेल पे ही हमको गोभी भी फ्राई करना है। हमारी गोभी भी फ्राई हो गई है, तो इसको भी मैं किसी प्लेट पे निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने गोभी पनीर निकाल ली है। तेज़पत्ता डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे और 2 मिनट भूनेंगे। भून गई है तो इसमें मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और मिक्स करके ढक देना है। ढक के 5 मिनट मसाले को भूनने के बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट तक मसाले को भूनना है, ढक्कन ढककर। देखिए हमारा मसाला हो गया है, तो इसमें ग्रीन मटर मैं ऐड करूँगी। कवर कर दूंगी। अब सारी सब्जियां, गोभी और पनीर डाल देना है हमको। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स करके हमको अपने हिसाब से पानी डालना है। मैंने 1 गिलास पानी डाला हुआ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पानी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पनीर मसाला बनके तैयार हो गई है, तो इसको हम सर्विंग प्लेट पे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर मसाला बनके तैयार हो गई है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।